भगवान शिव के पांच सबसे बड़े रहस्यमय मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां पर मौजूद शिवलिंग हर रोज 8 इंच बढ़ रहा है, एक ऐसा मंदिर जिसमें से अंकुर निकलते हैं और अंकुर के फूटने पे उसमें शिव के दर्शन होते हैं, एक ऐसा मंदिर जहां शिवलिंग रंग बदलता है। इन मंदिरों में होने वाले अद्भुत चमत्कार आखिर होते कैसे हैं? ये दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा सका है। और भगवान शिव के ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक मंदिर भारत में हैं। और आज हम आपको भगवान शिव के इन्हीं पांच रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो अब हम आपको इतनी गजब और रहस्यमय जानकारी दें, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भगवान शिव के सबसे रहस्यमय मंदिर के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है गढ़ मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग से हर साल एक विशेष आकृति अंकुरित होता है और उस अंकुर के फूटने पर इसमें भगवान शिव और उसकी सारी देवी देवताओं की आकृतियां दिखाई देती हैं। ये अंकुर क्यों फूटता है और आकृतियां कैसे निकलती है, इस बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है। मंदिर की सीढ़ियों में अगर आप कोई पत्थर फेंकेंगे तो इसमें से ऐसी आवाजें निकलेंगी जैसे आप पानी में पत्थर फेंक रहे हैं। मंदिर के इन रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। दूसरा चमत्कारी मंदिर मौजूद है छत्तीसगढ़ के मरोदा गाँव में और इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग हर रोज लगभग 6 से 8 इंच बढ़ रहा है। यह शिवलिंग लगातार क्यों बढ़ रहा है और इसकी जानकारी आज तक किसी को क्यों नहीं है। सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर में एक जल लहरी है और वो धीरे धीरे ऊपर आती जा रही है। यह स्थान भूतेश्वर नाग भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रमों में भ्रमण करने आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। भगवान शिव के मंदिर में होने वाले इस चमत्कार को देखने के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं और सावन के महीने में तो यहाँ पैर रखने तक के लिए भी जगह नहीं होती। अगला रहस्यमय मंदिर है तमिलनाडु में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर। इस मंदिर में बनी 3 सीढ़ियों पर पैर रखने से इसमें से संगीत जैसी ध्वनियां निकलती है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई यंत्र बजाया जा रहा हो। ऐसा क्यों होता है और इस मंदिर की सीढ़ियों में ऐसा क्या रहस्य है, इससे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिव जी की पूजा की थी, इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। कहते हैं यहाँ पर यम ने भी भगवान शिव की पूजा की थी। वो शरीर के होने वाले भयानक जलन से पीड़ित थे और यहाँ पर पूजा करने के बाद उन्हें आराम मिल गया, इसलिए इस मंदिर में यम की आकृति भी बनाई गई है। अगला चमत्कारी मंदिर है अचलेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ का रहस्य तो हर किसी को हैरान ही कर देता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ पर स्थापित शिवलिंग का रंग, जो दिन में 3 बार बदलता है। अब आप भी कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह सच है। अचलेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग का रंग सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और शाम के समय गेहुआ दिखाई देता है। आज तक कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 2500 साल पुराने इस मंदिर का एक और प्रमुख आकर्षण नंदी की मूर्ति है और यह पीतल की नंदी 5 अलग अलग धातुओं को मिलाकर बनाई गई है। कहते हैं कि जब आक्रमणकारी मंदिर पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तब नंदी की इस मूर्ति ने उनके ऊपर बहुत सारे मधुमक्खियों को छोड़ दिया था। अगला और आखिरी रहस्यमय मंदिर है बिजली महादेव मंदिर। नाम से ही पता चलता है कि इस मंदिर का बिजली से कोई ना कोई नाता जरूर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सुंदर गाँव काशवारी में यह मंदिर 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि हर 12 वर्ष में यहाँ पर बिजली गिरती है। बिजली गिरने की वजह से शिवलिंग पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वहाँ के पुजारी शिवलिंग के टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें अनाज, दाल और आटे अनसाल्टेड मक्खन से बने पेस्ट के उपयोग से जोड़ते हैं। कुछ महीनों बाद शिवलिंग पहले जैसा होने लगता है। तो ये थे भगवान शिव के कुछ अनोखे मंदिर, जिनके बारे में जानकर आपको भी हैरानी हो गई होगी। ये जानकारी हमने इंटरनेट से ली है, इसलिए हम इसकी पुष्टि नहीं करते। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को इन चमत्कारी मंदिरों के बारे में बताएं और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा मंदिर है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे फेसबुक चैनल को भी फॉलो करें। धन्यवाद।